अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए निकालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों पर। आप सभी का स्वागत है सच न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी से कुछ खास खबरें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना ढाई महीने तक यूपी प्रवास पर सरकार के मेहमान हैं और ढाई महीने तक बीजेपी सरकार इन्हीं पर बात करेगी। किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली की सीमा पर ट्रेनिंग ली है और आधे दाम पर किसानों ने फसल भी बेची है और इसके बाद किसानों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि किसे वोट देना है। तो वहीं रविवार को हाथरस रोड के जेके फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव राजपाल शर्मा की पौत्री के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे और जनता को उनके प्रवचन से बचना है। 31 जनवरी को किसानों का विरोध प्रदर्शन भी होगा। तो साथ ही अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसानों को न्याय देने के लिए केंद्र सरकार अजय मिश्र टोनी के मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके गिरफ्तार करे। और एक सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जनता इनको यानी बीजेपी को वोट नहीं देगी। एम्स के इमरजेंसी में हर तीसरा पेशेंट कोरोना संक्रमित मिल रहा है और ऐसे में एम्स के डॉक्टर्स के साथ साथ दूसरे विशेषज्ञों का ये भी दावा है कि दिल्ली की एक बड़ी आबादी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुकी है। एम्स के इमरजेंसी में इस समय लोग कई बीमारियों के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में इन पेशेंट्स की कोरोना जांच भी की जा रही है। जांच के दौरान हर तीन में से एक पेशेंट कोरोना संक्रमित मिल रहा है और एम्स के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर अनन्य गुप्ता ने बताया मौजूदा समय में नए संक्रमित मिलने वाले पेशेंट की संख्या में कमी आई है और इससे पहले हर दूसरा पेशेंट कोरोना संक्रमित पाया जा रहा था। मौजूदा संक्रमण दर के साथ अभी इस तरह के हालात है कि हालांकि आगे इन आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है और जिससे तीसरे के बदले चौथा पेशेंट भी संक्रमित हो सकता है। इमरजेंसी में पहुंचने वाले पेशेंट्स के लगातार संक्रमित पाए जाने और गंभीर पेशेंट के बढ़ते आंकड़े के बीच एम्स का ट्रॉमा सेंटर पूरी तरीके से भर गया है और यहां 4 मंजिल पर आईसीयू की व्यवस्था है और हर एक आईसीयू में 12 बेड का इंतजाम है। इस मामले में एम्स के डॉक्टर का यह भी कहना है कि ट्रॉमा सेंटर भरने के बाद अब बर्न और प्लास्टिक विभाग में कोरोना पेशेंट को एडमिट करने का इंतजाम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से पीड़ित ज्यादातर पेशेंट्स में नाक बहने, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, गंभीर माइग्लिया और पीठ दर्द के सबसे आम लक्षण मिल रहे हैं। साल के पहले महीने में लगातार कड़ाके की सर्दी से दिल्ली में 106 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें ज्यादातर बेघर हैं। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ने इतनी मौतों का दावा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर बेघरों के लिए उचित इंतजाम करने का आग्रह किया। हालांकि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी माना है कि सर्दियों के दौरान ऐसे लोगों की अलग अलग वजह से ज्यादा मौतें होती हैं। एक अधिकारी ने नाम ना छपने की शर्त पर भी बताया कि बेघरों की मौत कड़ाके की सर्दी के अलावा दुर्घटना, बीमारी, शराब और नशीली दवाओं से भी होती है, लेकिन DUSIB के पास इस तरह का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। NGO की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच दिल्ली में ठंड से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से उत्तरी दिल्ली जिले के सबसे ज्यादा 33 मौतें दर्ज की गई हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली में 13 जबकि दक्षिण पश्चिम और मध्य दिल्ली में 9-9 मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि इस समय के दौरान पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली में 8-8 लोगों की मौत हुई है और ये बेघर लोग हैं जो रातें खुले सड़क में किनारे या दुकानों के बाहर बिताते हैं। इस महीने कड़ाके की ठंड की वजह से ज्यादातर मौतें हुई हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। बाकी देश भर की और तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेरे खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।